Welcome, welcome once again. Dear students, today we are going to discuss a very important and interesting and confusing topic, that is validity. मतलब वैधता. वैधता जितना आसान है समझने में उतना ही ज्यादा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसके जितने भी टाइप्स हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं दूसरे से. कंस्ट्रक्ट, कंटेंट, कॉन्करेंट, क्राइटेरिया, कन्वर्जेंट. तो बहुत आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आप इसको भूलेंगे भी नहीं. तो हम कोशिश करते हैं कि इसको फिर से समझते हैं अच्छे से, है ना. देखिए, वैलिडिटी क्या है. वैलिडिटी ऑफन कॉल्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि अगर हम इन जनरल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की करते हैं, अगर हम उसके संग कोई भी एडजेक्टिव नहीं जोड़ रहे हैं. तो क्या है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. रिफर्स टू द एक्सटेंट To which a measure adequately represents the underlying construct that it is supposed to measure. मतलब ये उस सीमा तक ये जांच करता है कि जो measure हम नापने चले हैं. Measure adequately represents the underlying construct. जो construct के का मापन हम करने चले हैं ये उसी construct को नाप रहा है. किस सीमा तक नाप रहा है, ये है construct validity. है ना. Refers to the extent, उस सीमा तक जिसमें कि हम एडिक्वेटली मतलब ठीक तरीके से नाप पा रहे हैं कि नहीं जो अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट है ना. फिर फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के स्वरूप इन्होंने कहा है कि इज ए मेजर ऑफ कंपैशन. अगर हम कंपैशन को नापने जा रहे हैं, रियली मेजरिंग कंपैशन एंड नॉट मेजरिंग अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट सच एज एम्पैथी. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम मान के चले हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्ट है कंपैशन, हम उसको नापने जा रहे हैं लेकिन वो कंपैशन को नाप के एम्पैथी को नाप रहा हो, है ना. क्योंकि दोनों ही बहुत कुछ एक दूसरे से रिलेटेड कंस्ट्रक्ट है, कि एम्पैथी में भी हम दूसरे को समझेंगे, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और कंपैशन मतलब हम कितने कंपैशनेट हैं उसके लिए. तो दोनों ही टर्म्स, दोनों ही कंस्ट्रक्ट जो है वो मोर और लेस एक जैसी चीजों को नाप रहे हैं. तो क्या हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कंपैशन को एक्चुअली नाप रहा है, या ऐसा तो नहीं कि एम्पैथी को नाप रहा है. तो बहुत ही प्रिसाइज हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक. फिर validity can be assessed using theoretical or empirical approaches. मतलब theoretical as well as empirical approaches की सहायता से हम validity को नाप सकते हैं, and should ideally be measured using both approaches. और हमको नापना भी चाहिए दोनों ही approaches को follow करते हुए. फिर theoretical assessment of validity focuses on how well the idea of a theoretical construct is translated into or represented in an operational measure. मतलब कि ये जो theoretical assessment का type है, जो validity का, वो किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर focus करता है. focus करता है कि how well the idea of a theoretical construct, यानी कि किसी theoretical construct के विचार को कितनी अच्छी तरीके से हमने translate कर दिया है या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसमें, ऑपरेशनल मेजर में. यानी कि थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को ऑपरेशनल मेजर में कितनी बढ़िया तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, जो कि ट्रांसलेट सॉरी या तो ट्रांसलेट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो नाम भी उसी हिसाब से ट्रांसलेशनल वैलिडिटी और या और का मतलब या रिप्रेजेंटेशनल वैलिडिटी है. एंड कंसिस्ट ऑफ टू सब टाइप्स, और इसके दो उप प्रकार हैं. कौन कौन से, फेस एंड कंटेंट वैलिडिटी. फिर ट्रांसलेशनल वैलिडिटी इज टिपिकली असेस्ड यूजिंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट जजेस. यानी कि कुछ हमको एक पैनल बनाना पड़ेगा जिसमें हम कुछ जज रखेंगे जो एक्सपर्ट होंगे पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के लिए, हु रेट ईच आइटम, जो कि हमारा ईच आइटम जो है या हमारा ईच इंडिकेटर है उसको रेटिंग देंगे. किस आधार पर, ऑन हाउ वेल, यानी कितनी अच्छी तरीके से दे फिट द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ दैट कंस्ट्रक्ट. यानी कि जिस कंस्ट्रक्ट को हम नापने चले हैं उसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन में वो कितनी फिट इन है, कौन वो इंडिकेटर्स, वो आइटम. तो वो जो जजेस होगा, जो पैनल होगा जजेस का, एक्सपर्ट का, वो उसको रेट करेंगे. और हम लोग जो ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं क्वालिटेटिव टेक्निक, उसका नाम दिया जाता है क्यू सॉर्ट टेक्निक. क्यू सॉर्ट, ओके. अच्छा, फिर ये तो बात हुई थ्योरेटिकल असेसमेंट की, ना. कह रहे हैं कि दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम थ्योरेटिकली असेस कर लें और या हम असेस करें इंपीरिकल. तो इंपीरिकल कैसे करेंगे. इंपीरिकल असेसमेंट ऑफ वैलिडिटी एग्जामिन्स
how well a given measure relates to one or more external criteria based on empirical observations. है ना, कि हम empirical assessment का मतलब होता है कि validity का, कि वो कितनी अच्छी तरीके से जांच रहा है, exam means how well जो दिया हुआ हमारा मेजर है वो दूसरे क्राइटेरिया से कितनी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है, और बेस्ड किस पे होगा, इंपिरिकल ऑब्जर्वेशंस. इंपिरिकल ऑब्जर्वेशंस का मतलब आप जानते हैं, जिनको हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सब कुछ इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन में आता है. और इस टाइप की वैलिडिटी को क्या कहते हैं, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी. क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी में हम ये क्या कह रहे हैं कि टू हाउ वेल अ गिवन मेजर रिलेट्स टू वन और मोर एक्सटर्नल क्राइटेरिया, कि बाहरी मापदंडों से वो किस तरीके से संबंधित है. इसलिए ये वैलिडिटी का नाम भी क्या है, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी. अब क्राइटेरिया रिलेटेड में कितने आ जाएंगे, चार. कौन कौन से, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, कॉन्करेंट एंड प्रिडिक्टिव. तो देखिए ध्यान देने की बात है थोड़ा थोड़ा सा, बस क्या कि जब थियोरेटिकल की बात कर रहे थे तो उस टाइप की वैलिडिटी को कह रहे थे ट्रांसलेशनल या रिप्रेजेंटेशनल, और इसके दो सब टाइप क्या थे, फेस और कंटेंट, जिसके लिए हमको जजेस की जरूरत थी. और जब हम इंपिरिकल असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो चूंकि वो क्राइटेरिया से रिलेशनशिप अपना एस्टेब्लिश कर रहा है, इसलिए वैलिडिटी का नाम क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी है. और इसके उसमें दो सब टाइप्स, इसमें चार सब टाइप्स हैं. कौन कौन से, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट भी आप पढ़ेंगे कि दोनों आपस में रिलेटेड है, कॉन्करेंट प्रिडिक्टिव भी एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे, देखिए, व्हाइल ट्रांसलेशनल वैलिडिटी एग्जामिन्स वेदर ए मेजर इज अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट. यही कह रहे हैं ना कि जो अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट है, जो कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए सारा कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है, उसका कितना गुड रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब वही बात निकल कर आ रही है कि नहीं. और क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी क्या कह रही है, वेदर ए गिवन मेजर बिहेव्स द वे इट शुड गिवन द थ्योरी ऑफ दैट कंस्ट्रक्ट. मतलब क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी ये जांच करती है कि वो मेजर जिस थ्योरी की, जिस कंस्ट्रक्ट की बात करा, उसमें कितनी बढ़िया तरीके से बिहेव करता है, या बिहेव द वे इट शुड, किस तरीके से इसको बिहेव करना चाहिए. ट्रांसलेशनल वैलिडिटी में रिफ्लेक्शन की बात है, जबकि क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी में बिहेवियर की बात है. अब इसका फिर हमने क्या बताया था कि ट्रांसलेशनल वैलिडिटी के दो सब टाइप्स क्या है, फेस और कंटेंट. तो फेस को जान लीजिए, क्या है फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर एन इंडिकेटर, यानी कि जो हम मुख वैधता जिसको आप कहते हैं, या आमुख वैधता किताबों में लिखा है, ये आमुख वैधता क्या है, कि वेदर एन इंडिकेटर सीम्स टू बी ए रीजनेबल मेजर ऑफ इट्स अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट ऑन इट्स फेस. यानी आप सिर्फ उसका फेस देखकर ये बता सकें कि जिस कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए वो मेजर बनाया गया है वो रीजनेबली, मतलब हम ये रीजन कर पा रहे हैं, तर्क लगा पा रहे हैं कि हाँ वो दिख रहा है कि वो उसी कंस्ट्रक्ट को नापने की बात कर रहा है. जैसे फॉर इंस्टेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वंस अटेंडेंस एट रिलीजियस सर्विसेज, मतलब कि जो हमारे धार्मिक सेवा भाव के कार्यक्रम है, अगर उसमें किसी की बहुत फ्रीक्वेंटली अटेंडेंस लगी, मतलब उसको वो बार बार अटेंड कर रहा है, तो क्या मतलब इससे निकल कर आ रहा है, सीधी सी बात कि सीम्स टू मेक सेंस एज एन इंडिकेशन ऑफ ए पर्सन्स रिलीजियोसिटी विदाउट ए लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. यानी कि वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी हम ये कह पाएंगे कि वो फला व्यक्ति उसमें धार्मिकता का गुण है, या ये दिखता है कि वो धार्मिक है. क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार देख रहे हैं, कोई भी रिलीजियस फंक्शन है तो वो उसमें आता है, अटेंड करता है. इसका मतलब कि इससे हम ये कह पाएंगे कि ये इंडिकेटर जो है वो फेस वैलिडिटी को दर्शाता है, कि हम देख के बता सकते हैं. अच्छा, फिर टू अप्रोचेस ऑफ वैलिडिटी असेसमेंट, जो वैलिडिटी को नापने के दो मुख्यतः तरीके ने बताए हैं कैसे आप एसेस कर पाएंगे. कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट, देखो अभी तक हम लोग को इतनी बात समझ में आ गई कि वैलिडिटी है क्या, कि ना वैधता, मतलब वैध कितना हमारा परीक्षण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारा टेस्ट कितना वैध है, कि वो क्या उसी कंस्ट्रक्ट को नाप रहा है जिसको नापने के लिए बनाया गया है. बस इसमें थोड़ा सा घुमाव फिराव है, जब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करते हैं तो वो कहते हैं उसी कंस्ट्रक्ट को नाप रहा है कि नहीं, जब क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो एक्सटर्नल क्राइटेरिया से कितना रिलेट कर रहा है. क्राइटेरिया में भी दो हो जाते हैं, कॉन्करेंट और प्रिडिक्टिव, यानी कि अगर तत्कालिक क्राइटेरिया से हम रिलेशन कर रहे हैं तो
ऑन करंट, अगर किसी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करें तो प्रिडिक्टिव, आगे भी बताती हूँ। और उसी तरह से कंटेंट वैलिडिटी क्या, कि इज एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ सेट ऑफ स्केल आइटम्स मैचेस विद द रिलेवेंट कंटेंट डोमेन ऑफ द कंस्ट्रक्ट दैट इट इज ट्राइंग टू मेजर। यानी कि जिस कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए आपने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है, आपका परीक्षण जिस कंस्ट्रक्ट को नाप रहा है, वो जो कंटेंट है वो उसी से मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि नापने चले हैं बुद्धि और जो हमारा कंटेंट है वो भाषा के प्रश्न पूछ रहा है, तो व्यक्ति भाषा में ही उलझ के रह जाएगा, आपका मतलब स्टूडेंट, तो वो कैसे आप उसकी इंटेलिजेंस को असेस करेंगे, है ना। तो कंटेंट की मैचिंग कंस्ट्रक्ट से होनी चाहिए। कैसे, फॉर इंस्टेंस इफ यू वॉन्ट, एग्जाम्पल भी दिया गया है, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द कंस्ट्रक्ट, अगर हम नापने चले हैं, क्या नापने चले हैं, सेटिस्फैक्शन विद रेस्टोरेंट सर्विस, अगर किसी रेस्टोरेंट की सर्विस का सेटिस्फैक्शन सर्वे हमने बनाया है, तो हम क्या इसे डिफाइन करेंगे कंटेंट डोमेन को। भाई हमारा कंटेंट क्या होगा कि सर्विस क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि प्रश्न इस पे होंगे ना कि क्वालिटी ऑफ फूड कैसी है, कर्टसी ऑफ वेट स्टाफ कैसा है, ड्यूरेशन ऑफ वेट कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ता है, ओवरऑल एम्बियंस कैसा है रेस्टोरेंट का कि देखते ही मन करता है साफ सुथरा एकदम क्लासी है या गंदा है, या आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ता है, या जो स्टाफ है वो आपसे ठीक से बिहेव नहीं करता, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। और एम्बियंस में ये भी आ जाएगा वेदर इट इज नॉइजी, कभी अब चाहते हैं हम क्यों जाते हैं बाहर कि हम शांति से इत्मीनान से गर्मा गर्म भोजन वो करेंगे जो हमारी पसंद का और हमको कुछ मेहनत ना करनी पड़े, और वहां बहुत शोर शराब आया, आप अपने बगल वाले से बात भी नहीं कर पा रहे हैं कायदे से, तो ये सब आपको मेजर करना है। तो ये कंटेंट होना चाहिए, कहने की बात इतनी है सिर्फ कि अगर हम सेटिस्फैक्शन विद रेस्टोरेंट सर्विस पे के कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए चले हैं, तो जो कंटेंट हम यूज करेंगे वो ये सब कवर करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड दिस 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 दिस, और अगर ये सब नहीं कवर कर रहा है इसका मतलब कि जो हम कंस्ट्रक्ट कुछ और नाप रहे हैं, कंटेंट हमारा कुछ और कह रहा है ना, यही कह रहे हैं आगे। देन फॉर एडिक्वेट कंटेंट वैलिडिटी दिस कंस्ट्रक्ट शुड बी मेजर्ड यूजिंग इंडिकेटर्स दैट एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच रेस्टोरेंट पैट्रॉन इज सेटिस्फाइड विद द, किससे किससे वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड, कर्सी ऑफ वेट स्टाफ, लेंथ ऑफ वेट कितनी देर इंतजार करना पड़ता है जब आप कोई डिमांड करते हैं, एंड द रेस्टोरेंट एम्बियंस। ऑफ कोर्स दिस अप्रोच रिक्वायर्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर कंटेंट डोमेन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट, है ना। यानी कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए जा रहे हैं तो हमको उसका कंटेंट एनालिसिस इतना बढ़िया करना होगा कि वो पूरा कंटेंट कवर कर ले उसका, लेकिन ये कुछ आसान इतना नहीं है कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट के लिए, जैसे इंटेलिजेंस, हम जानते हैं इंटेलिजेंस को मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, उसमें स्पेशियल एबिलिटी भी है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, उसमें न्यूमेरिकल भी है, वर्बल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, काइनेस्थेटिक भी है, बहुत सारी है, तो कैसे आप कंटेंट ही कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट के लिए कंटेंट वैलिडिटी का निर्माण डिफिकल्ट है। Hence, it may not be always possible to adequately assess content validity. इसलिए content validity का assessment इतना आसान नहीं है, या हम कह सकते हैं इतनी proper तरीके से इसका assessment नहीं कर पाते हैं। As with face validity, है ना? An expert panel of judges may be employed to examine content validity of constructs. या हम क्या कर सकते हैं कि हम expert panel of judges से ही content validity के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, कि face validity जैसे वो बता रहे हैं वैसे वो content को भी हमारे देख के बता दें कि content validity ये अपने पास रखता है या नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट देखिए हम लोग जानते हैं, कन्वर्जेंट का मतलब हमने पढ़ा है ना अभिसारी, और डाइवर्जेंट का या डिस्क्रिमिनेंट का मतलब अपसारी। मतलब कन्वर्जेंट का हम एक पास आ रहे हैं, पास आने का मतलब क्लोजनेस, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब दूर जा रहे हैं, या डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डिफरेंस, इतना समझ लेंगे तो आ जाएगा आपको समझ में। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या कह रहे हैं, कि रिफर्स टू द क्लोजनेस, सामीप्यता की बात हो रही किसके संग, विद विच अ मेजर रिलेट्स टू, यानी कि वो जो चीज हम नापने चले हैं वो कितना उससे मिलता जुलता है, किससे, द कंस्ट्रक्ट दैट इट इज परपर्टेड टू मेजर, वो कंस्ट्रक्ट जो हम नापने जा रहे हैं उससे कितनी समीपता जाहिर कर रहा है, अगर समीपता जाहिर कर रहा है तब तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का क्या मतलब है, रिफर्स टू द डिग्री, उस सीमा तक हम बात कर रहे हैं, टू विच ए मेजर डज नॉट मेजर अदर कंस्ट्रक्ट्स दैट इट इज नॉट सपोज टू मेजर। मतलब समझिए आप कि दोनों ही जरूरी है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब कि अगर हम जो भी कंस्ट्रक्ट नापने जा रहे हैं तो वो जिसके संग क्लोजनेस उसकी है उसके संग
मेजर होना, उसके संग रिलेट होना चाहिए, और जिसको हम नहीं नापना चाह रहे हैं उससे वो दूर होना चाहिए, है ना। एक ही बात के दो पहलू हैं, कहने का तरीका बस अलग है, बात दोनों में घुमा फिरा के कही वही जा रही है कि क्लोजनेस विद विच ए मेजर रिलेट्स टू एंड टू, है ना, एंड रिफर्स टू द डिग्री टू विच ए मेजर डज नॉट मेजर अदर कंस्ट्रक्ट दैट इट इज नॉट रिलेट टू या दैट इट इज नॉट सपोज टू मेजर। जिसको नहीं नापने जा रहे हैं उससे डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, जिसको नापने जा रहे हैं उससे क्लोज होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। तो यही बात आगे कह रहे हैं, यूजुअली कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आर असेस्ड जॉइंटली फॉर ए सेट ऑफ रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स, यानी किसी एक सेट ऑफ रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स के लिए हम इसको साथ में नाप के चलते हैं कि कितना कन्वर्जेंट है, यानी कि जिससे मिलना चाहिए उसे कितना मिल रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब जिससे नहीं मिलना चाहिए उसे कितना नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ पाएंगे क्या। फॉर इंस्टेंस, इफ यू एक्सपेक्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन्स नॉलेज इज रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि किसी भी संस्था का जो ज्ञान होगा वो उसकी परफॉर्मेंस से रिलेट करेगा, तो हाउ कैन यू एश्योर दैट योर मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज इज इंडीड मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, यानी कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को जानने के लिए जो मेजर बनाया है क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को ही मेजर कर रहा है, तो मेजर कर रहा है तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड नॉट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। और जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को नापने के लिए बनाया है, कहीं वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस तो नहीं मेजर कर रहा है, तो जितना कम मेजर करेगा उतना डिस्क्रिमिनेंट, जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना कन्वर्जेंट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए कह रही हूँ कि आसान है पर ध्यान देना है बस। फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय कंपेयरिंग द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ वन इंडिकेटर ऑफ वन कंस्ट्रक्ट विद दैट ऑफ अदर इंडिकेटर्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट एंड डेमोंस्ट्रेटिंग सिमिलैरिटी बिटवीन वैल्यू ऑफ दीज इंडिकेटर्स, है ना, कि जिससे मिलना चाहिए उससे अगर हम सिमिलैरिटी या हाई कोरिलेशन शो कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, जिससे हमको डिससिमिलर होना चाहिए या लो कोरिलेशन शो होना चाहिए वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। ठीक, अब है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, मतलब क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी कैन ऑल्सो बी असेस्ड बेस्ड ऑन वेदर ए गिवन मेजर रिलेट वेल विद ए करेंट और फ्यूचर क्राइटेरिया, यानी कि हम कितना रिलेटिवली रिलेट करते हैं उस किसी क्राइटेरिया से जो करेंट क्राइटेरिया है या फ्यूचरिस्टिक क्राइटेरिया है। तो अगर करेंट क्राइटेरिया से रिलेट करते हैं तो उसको हम बोल देंगे कॉनकरेंट, अगर फ्यूचर क्राइटेरिया से रिलेट करेंगे तो प्रिडिक्टिव बोल देंगे, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ मेजर सक्सेसफुली प्रिडिक्ट्स अ फ्यूचर आउटकम, यानी कि हम जो नाप रहे हैं वो सफलतापूर्वक ये भविष्यवाणी करके बता दे कि फ्यूचर आउटकम क्या होगा, अगर ऐसा बता देता है इसका मतलब पर्टिकुलर मेजर या पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, नहीं बता पाता है, नहीं है, या हमको किसी कह रहे ना बेस्ड ऑन करेंट क्राइटेरिया, अगर किसी करेंट क्राइटेरिया के संग इसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कॉनकरेंट वैलिडिटी है। फॉर इंस्टेंस, इन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया, आप समझ लीजिए कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, है ना, यानी कि SA स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, एग्जाम्पल स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स, है ना, यानी कि अगर करेक्टली प्रिडिक्ट द एकेडमिक सक्सेस इन कॉलेज, यानी कि अगर आप किसी का SAT निकालते हैं स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स, तो वो हमको सही सही प्रिडिक्ट करके ये बता सकता है कि फला हमारा जो विषय है उसको कॉलेज में एकेडमिक सक्सेस मिलेगी इन फ्यूचर या नहीं मिलेगी, है ना भाई। एप्टीट्यूड टेस्ट करें वो भी कैसा, स्कॉलेस्टिक, तो वो हमें बता ही देगा प्रिडिक्ट करके। एग्जाम्पल एज मेजर्ड बाई कॉलेज ग्रेड पॉइंट एवरेज, है ना, जैसे हम लोग CGPA की बात करते हैं। असेसिंग सच वैलिडिटी रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ ए नोमोलॉजिकल नेटवर्क शोइंग हाउ कंस्ट्रक्ट्स आर थियोरेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर। फिर इसी का फिर इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब अगर फ्यूचर क्राइटेरिया को बताता है, फ्यूचर हमको प्रिडिक्शन बता देता है तो फ्यूचरिस्टिक या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, और अगर किसी करेंट क्राइटेरिया के संग कोरिलेशन बताता है तो कॉनकरेंट वैलिडिटी। कैसे, एग्जामिन्स हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीके से वन मेजर, एक जो मेजर है वो रिलेट कर सकता है किससे, टू अदर कॉन्क्रीट या करेंट क्राइटेरिया दैट इज प्रिज्यूम टू अकर साइमल्टेनियसली, जो साथ में चलेगा
क्राइटेरिया के साथ रिलेशनशिप उसके है कि नहीं है. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, डू स्टूडेंट्स स्कोर्स इन ए कैलकुलस क्लास. अगर कैलकुलस क्लास में हमने कोई आपसे टेस्ट लिया और आपका जो स्कोर है उसको कोरिलेट करना चाहिए किसके संग, देयर स्कोर्स इन ए लीनियर अलजेब्रा क्लास, है ना भाई. कि अगर हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो साइंस में भी अच्छा स्कोर करें, या मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा करें तो ज्योमेट्री में भी करें. तो ये तो कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली चल रहा है ना क्राइटेरिया. तो अगर साइमल्टेनियसली चलने वाले किसी क्राइटेरिया से रिलेशनशिप है देन कॉन्करेंट वैलिडिटी. अगर फ्यूचर में ही हमने एसएटी निकाल लिया तो हम एकेडमिक सक्सेस बता पाएंगे, अगर ऐसा है तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, है ना. तो दीज कोर्स शुड बी रिलेटेड कॉन्करेंटली बिकॉज दे आर बोथ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स के, क्योंकि दोनों ही मैथमेटिक्स के टेस्ट हैं तो हम बता ही सकते हैं. अनलाइक कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट में क्या था कि कन्वर्जेंट का मतलब कि वो मेजर्स को नाप रहा है कि नहीं, कितना क्लोजली नाप रहा है जिसको नापना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब उनसे डिफर कर रहा है कि नहीं जिनसे डिफर करना चाहिए. तो कॉन्करेंट एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड इन एम्पिरिकल सोशल साइंस रिसर्च. ये कोई बात कही गई, ठीक है. तो देखिए कितने तरीके का हम लोगों ने पढ़ लिया. सॉरी, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरिया, कॉन्करेंट, प्रिडिक्टिव, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ट्रांसलेशनल, रिप्रेजेंटेशनल, फेस वैलिडिटी, इतनी तरीके का, है ना. इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको समझ में आता है कि इतनी तरीके की वैलिडिटी है और भाषा सब में आपको मोर और लेस सिमिलर लगती है. तो आप मान ये पहले जान लीजिए मूल वैलिडिटी का क्या है, कि उसी कंस्ट्रक्ट को नाप रहा है जिसको नापने के लिए बनाया गया. अब कंस्ट्रक्ट में कंटेंट नाप रहा है तो कंटेंट, अगर किसी क्राइटेरिया से साइमल्टेनियसली कोरिलेशन है तो कॉन्करेंट, किसी क्राइटेरिया से फ्यूचरिस्टिक कोरिलेशन है तो प्रिडिक्टिव, अगर आपका उसका फेस देखकर बता पा रहे हैं तो फेस वैलिडिटी, अगर हम हमारा थियोरेटिकल मेजर को ऑपरेशनल मेजर में बढ़िया से ट्रांसलेट कर दे रहा है तो ट्रांसलेशनल या रिप्रेजेंटेटिव, है ना. इसी तरीके से सॉरी तो समझ के चलिए तो वैलिडिटी जैसा आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, और नहीं समझेंगे तो यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है. ओके, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलिडिटी एंड हाउ डू यू एस्टैब्लिश वैलिडिटी, तो ये जितने कंटेंट, कॉन्करेंट, प्रेडिक्टिव, कंस्ट्रक्ट, ये वैलिडिटी है, ये उसके असेसमेंट के ही तरीके हैं, या आप कह सकते हैं कि इतनी तरीके की वैलिडिटी है. तो दोनों में आपको यही बताना है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ठीक है. चलिए, हाँ, डन.